नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो हमारा सेवन सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। पिछले वीडियो में अपन ने इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। जो भी सिलेबस हमारा पीसीआई का बीफॉर्म सेवन सेमेस्टर के लिए है, उसका डिटेल स्टडी करेंगे अपन। तो आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो इसमें अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का। फर्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके बारे में आज के पार्ट में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों कंट्रोल नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब न्यू, मतलब आज की जनरेशन में कौन कौन से ऐसे सिस्टम डेवलप्ड किए गए हैं जो मतलब अकॉर्डिंग टू पास्ट मतलब यूज में नहीं लिए जाते हैं। पहले जैसे पाउडर सिरप वगैरह यूज में लिए जाते, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अलग से सिस्टम बना लिए गए हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो इसमें से हमारा पहला सिस्टम है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है। मेंटेन सूटेबल एंड डिजायर्ड ड्रग रिलीज ओवर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो हम ड्रग लेते हैं, डोज लेते हैं, वो मेंटेन होती है और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवेल के दौरान वो रिलीज होती है बॉडी के अंदर। फॉर्मुलेटेड बाई यूजिंग हाइड्रोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स। मतलब इसका फॉर्मुलेशन हाइड्रोफिलिक जो पॉलीमर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है इसकी फॉर्मुलेशन में, और मेंटेन थेरापेटिक लेवल ऑफ ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि ये स्पेसिफिक टाइम इंटरवेल के दौरान ये रिलीज होती है बॉडी के अंदर, और जो थेरापेटिक लेवल होता है ड्रग का ब्लड प्लाज्मा के अंदर, उसको ये प्रॉपरली मेंटेन रखता है, इसलिए इसका मेनली यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसमें टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो अपन को इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो उनके बारे में देख लेते हैं अपन। फर्स्ट टर्म हमारी कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, ये तो हमारी टर्म हो गई। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मेंटेन कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ड्रग एट जीरो ऑर्डर बाय कंटिन्यूसली रिलीजिंग द ड्रग। मतलब ये जो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस होती हैं ये मेंटेन रखती हैं कॉन्स्टेंट, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग ये बॉडी के अंदर सप्लाई करती हैं कंटिन्यूअसली रिलीजिंग ऑफ ड्रग, मतलब कंटिन्यूअस रिलीज करती हैं ड्रग को एट जीरो ऑर्डर रेट। सेकेंड हमारा एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन, ये टर्म होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन द ड्रग रिलीज स्लो ओवर टाइम। मतलब इसके अंदर अपन कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कर देंगे तो वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर अपने जो भी अपना टारगेट साइट है वहाँ रिलीज होगी है। ये नहीं कि अपने ड्रग लिया है और वो तुरंत अपना एक्शन शो करेगी, इसमें मतलब स्लो होगा, ड्रग का एक्शन भी स्लो होगा और इसकी डिलीवरी भी स्लो होगी। थर्ड है डिले रिलीज प्रिपरेशन, ये टर्म है डिले रिलीज प्रिपरेशन। आपको इससे समझ में आ रहा होगा डिले, डिले का मतलब थोड़ा लेट करना या डिले करना। तो इसमें क्या होगा कि एक डाइसेक्रेट पोर्शन ऑफ ड्रग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आफ्टर एडमिनिस्टर। मतलब आपन को जो अपन ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके आफ्टर मतलब सम टाइम के बाद ड्रग रिलीज होगी, ये नहीं है कि तुरंत दिया और तुरंत रिलीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आफ्टर सम टाइम इंटरवेल एडमिनिस्टर ड्रग, इसके अंदर एग्जाम्पल है इसका एंट्री कोटेक टेबलेट। मतलब जो हमारी एंट्री कोटेक टेबलेट है वो अपनी स्टोमक के अंदर डिलीवर नहीं होगी, एडमिनिस्टर नहीं होगी, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो स्टोम मतलब अपनी इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होना है वो होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर टारगेट रिलीज प्रोडक्ट, ये टर्म हमारी, इसके अंदर क्या होगा कि टारगेट का मतलब अपन को कोई भी डिजीज हो रही है, हार्ट में डिजीज हो रही है, तो अपन को डायरेक्ट टारगेट करना है ड्रग को कि वो हार्ट पे जाके अपना
अपना एक्शन शो करे, तो ये इसके अंदर ये हो जाएगा रिलीज ड्रग एट नियर द इंटेंडेड फिजियोलॉजिकल साइट ऑफ एक्शन, मतलब जिस ड्रग को जहां पर उसका एक्शन शो करना है वहीं पे उसको रिलीज करवाएंगे। इसके अंदर साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग सिस्टम, इसमें भी वही हो गया कि साइट मतलब कौन सी साइट है जहां पर अपन को ड्रग का यूज करना है, तो ये हो गया इसके अंदर। टारगेट ए ड्रग डायरेक्टली टू सर्टेन बायोलॉजिकल लोकेशन, मतलब जो भी हमारी बायोलॉजिकल लोकेशन है जहाँ पर अपन को एक्शन शो करना है ड्रग का, वहाँ पर इसको डायरेक्टली टारगेट करेंगे। क्यों होता है सस्टेन एक्शन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है इनिशियली प्रोवाइड सफिशियंट अमाउंट ऑफ ड्रग टू बॉडी टू प्रोड्यूस ए, मतलब अपन को कोई भी एक्शन शो करने के लिए किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो एक्शन चाहिए अपन को उतने ही अमाउंट में अपन ड्रग देंगे, तो उसको बोल देंगे सस्टेंड एक्शन सिस्टम। लास्ट है रिसेप्टर टारगेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा कि जो हमारा जैसे हार्ट है एग्जांपल के तौर पे, हार्ट में कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट है बीटा वन बीटा टू जो भी है, तो उसको डायरेक्टली टारगेट करेंगे, उसके ऊपर जो भी ड्रग एक्ट करती है अपन उनका मतलब यूज करेंगे, तो वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। तो ये हमारी होगी टर्म एंड डेफिनेशंस। अब देखेंगे रेशनल्स क्या है इसके, रेशनल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, द बेसिक रेशनल्स फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इज अल्टर द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मोइटीज, मतलब जो कंट्रोल रेशनल्स होते हैं मतलब किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें मतलब उसको प्रॉपरली रिलीज नहीं होने देते हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं, तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, मतलब ये रेशनल्स होती हैं इनको ठीक किया जाता है। तो कौन कौन से रेशनल्स पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, मेनली जो रेशनल्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक होती है, जो भी मतलब फार्माकोकाइनेटिक में ADM ही आ गया, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म, जिसको जो भी फैक्टर अल्टर कर रहे हैं उनको अपन ट्रीट करेंगे, मतलब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको अवॉइड करेगा। तो इसमें मेडिकल रेशनल्स है बायोलॉजिकल रेशनल्स है। मेडिकल रेशनल्स में क्या है रिड्यूस डोज फ्रीक्वेंसी, मतलब जो डोज की फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, तो इसके अंदर अपन अगर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा ड्रग देंगे तो ये अवॉइड हो जाएगा, मतलब इसका कोई रोल नहीं होगा फिर इसके अंदर, तो ये अपना ट्रीट हो गया। इसके बाद है रिड्यूस ड्रग एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, मतलब जो ड्रग होती है रिलीज करते हैं अपन वो एक्सपोजर होती है बायोलॉजिकल एनवायरमेंट से, तो उसकी मतलब कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो उसको भी इसके द्वारा ट्रीट कर सकते हैं अपन, मतलब ये ओवरकम किए जाएंगे ये कंडीशंस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा। मिनिमाइज प्लाज्मा कंसेंट्रेशन फ्लक्चुएशन, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, कोई भी ड्रग अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी कंसेंट्रेशन में मतलब ऊपर नीचे होता रहता है चेंजेस, तो उसको अपन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा देंगे तो ये अवॉइड हो जाएगा। सिवा लोअर एडवर्स एंड साइड इफेक्ट, अगर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा अपन कोई ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी कम होंगे और साइड इफेक्ट भी कम हो जाएंगे। अब देखते हैं बायोलॉजिकल रेशनल्स में क्या आता है, इसमें एब्जॉर्प्शन ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन डोज डिपेंडेंट बायोअवेलेबिलिटी बेटर सेफ्टी मार्जिन, तो इसके अंदर मतलब जो भी एब्जॉर्प्शन है कुछ ड्रग्स होती हैं उनका प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, लेकिन अगर अपन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज करेंगे तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग ये मतलब हो गया, मतलब जो अपन ड्रग ले रहे हैं वो मतलब जो अपना प्रोटीन बाइंडिंग सिस्टम होता है उसमें डायरेक्टली प्रोटीन से बाइंड होती है तो ये प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो अपन इसका यूज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम हो जाएगा और एलिमिनेशन में भी सेम हो जाएगा। और बेटर सेफ्टी मार्जिन, मतलब अगर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का अपन यूज करेंगे तो जो अपना सेफ्टी मार्जिन होता है किसी भी ड्रग्स का वो इंक्रीज होगा बेटर होगा। तो ये हमारा रेशनल्स हो गए कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। अब देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है इस सिस्टम के, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है हमारा, क्योंकि अपन आज के जनरेशन में इसका यूज कर रहे हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम की यह नहीं है कि किसी के डिसएडवांटेज नहीं हो, क्योंकि यह तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज जरूर होंगे। तो एडवांटेज देख लेते हैं पहले, तो क्या है इसके,
इट इम्प्रूव पेशेंट कन्वेंस, मतलब ये पेशेंट के कन्वेंस को इंक्रीज करता है क्योंकि उनको भरोसा होता है ऐसे सिस्टम के कि हमारी बॉडी के लिए साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, एडवर्स इफेक्ट कम होंगे ड्रग्स के, तो इसीलिए इजीली कन्वेंस करते हैं। इंक्रीज सेफ्टी मार्जिन ऑफ हाई पोटेंट ड्रग, जो हाई पोटेंट ड्रग होती है उनका सेफ्टी मार्जिन इंक्रीज करता है, इसलिए इजीली पेशेंट कन्वेंस हो जाएंगे कि ये सेफ्टी मार्जिन को इंक्रीज करता है। रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपन को पहले ज़्यादा डोज लेनी पड़ रही थी किसी भी ड्रग की, लेकिन इसके द्वारा अपन को थोड़ी कम डोज लेनी पड़ेगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस द हेल्थ केयर कॉस्ट, क्योंकि अगर डोज डिक्रीज हो गई तो अपनी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि अपन ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन अगर कम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कम कॉस्ट देनी पड़ेगी अपन को। इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब अगर साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा, तो जो ट्रीटमेंट है उसकी एफिकेसी तो आसानी से इंक्रीज हो जाएगी। इट इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बायोअवेलेबिलिटी तो इंक्रीज होगी। इट मेंटेन द ड्रग लेवल विथ इन द डिजायर्ड रेंज, मतलब जो ड्रग का लेवल है उसको मेंटेन, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी जो भी मतलब सिस्टम है हमारा, फार्माकोकाइनेटिक है, डायनेमिक है, वो प्रॉपरली हो रहा है तो ड्रग का लेवल भी डिजायर्ड रेंज में होगा। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसके। फर्स्ट इंक्रीज फर्स्ट पार्ट मेटाबोलिज्म, या फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म को इंक्रीज करेगा। फर्स्ट पास मतलब अपन ड्रग लेते हैं, एक तो डायरेक्टली लीवर के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म हो, वो तो होता है बाईपास मेटाबॉलिज्म, लेकिन फर्स्ट पार्ट में अपन ओरली लेते हैं, फिर स्टोमक में जाता है, फिर आगे प्रोसेस होती है, तो इसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, इंक्रीज होता है। इट फॉर्मुलेशन कॉस्ट इज हाई, इसकी जो फॉर्मुलेशन कॉस्ट होती है, फॉर्मुलेशन जो भी इसके अंदर यूज किए जाते हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है। ये डिक्रीज सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ड्यू टू इनकम्प्लीट रिलीज, मतलब इसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये इनकम्प्लीटली रिलीज होता है बॉडी के अंदर। इट इज सो पुअर इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन, मतलब जो इन विट्रो बॉडी के बाहर और इन वीवो बॉडी के अंदर जो कोरिलेशंस होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा 6th semester में बायोफार्मास्यूटिक्स में, तो मतलब ये पुअर शो करता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स, ये टॉपिक दे रखा हमारा इसी के अंदर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, तो इसमें देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है कि जो अपन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो ड्रग्स अपन यूज करेंगे, मतलब उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे कि उनकी सोल्युबिलिटी कैसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी, हाफ लाइफ, उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन किया जाएगा। क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी सोल्युबिलिटी, हाफ लाइफ वगैरह अगर ज़्यादा होती है तो उनका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ नहीं किया जाता है, तो अपन इसके अंदर यही देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स अपन यूज कर सकते हैं और कौन सी अपन इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, मतलब उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं इसके अंदर। सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट फॉर कंट्रोल रिलीज डिलीवरी इज वाइटली इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ ड्रग दैट अंडरगो हेपेटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म शुड नॉट बी फॉर्मुलेटेड इन, मतलब जो ड्रग हेपेटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाती हैं तो उनको अपन इसमें फॉर्मुलेटेड नहीं कर सकते कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, बिकॉज विल रिड्यूस देयर एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब इसके अंदर अगर फर्स्ट पार्ट हेपेटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इनका अपन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सूटेबल फॉर SRDDS, एस का मतलब क्या है यहाँ पर, सस्टेंड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होती है एक सूटेबल ड्रग के लिए, तो इट शुड गेट इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक ऐसी ड्रग जो ओरल एडमिनिस्टर के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, और शुड रिमेन स्टेबल इन गेस्टो इंटेस्टाइनल फ्लूड, और ओरल एब्जॉर्प्शन या एडमिनिस्टर होने के बाद जो अपना गेस्टो इंटेस्टाइनल फ्लूड है उसमें स्टेबल रह सके, तो ऐसी ड्रग अपन सेलेक्ट करेंगे, आइडियल प्रॉपर्टी होती है। इट शुड हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, मतलब इसकी हाफ लाइफ 2 to 4 hours से कम होनी चाहिए, तो ऐसी ड्रग की अपन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल, सालबुटामोल और सल्फेट ETC।
इसके बाद इफ डोज इज नॉट बी लेस देन, मतलब जो ड्रग अपन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करेंगे उसकी जो डोज होती है वो 0.5 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए और 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जांपल है मेट्रानिडाजोल। अब कंपाउंड दैट आर अनस्टेबल फॉर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए कौन कौन सी ड्रग है जो, मतलब कौन कौन सी कंडीशन है, कंपाउंड्स है जो अनस्टेबल होंगे उनका अपन यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। ड्रग विद शॉर्ट एंड लॉन्ग हाफ लाइफ, मतलब ड्रग ऐसे ड्रग जिनका मतलब 2 आवर से कम हाफ लाइफ है या फिर 8 आवर से कम इनका लाइफ है तो इनका में भी यूज नहीं किया जाता है। ड्रग अंडरगो हेपेटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, ऊपर बताया था हमने कि जो हेपेटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म करती है ड्रग उनका इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। ड्रग विथ लो सोल्युबिलिटी, मतलब जिन ड्रग्स की सोल्युबिलिटी लो होती है इनका अपन CRDDS में यूज नहीं कर सकते हैं। ड्रग रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ डोज, मतलब ऐसी ड्रग जिसकी लार्ज डोज अपन को रिक्वायर्ड होती है ऐसी ड्रग का भी इसके अंदर यूज नहीं करते, क्योंकि पहले पढ़ा था हमने कि अपन इसके अंदर स्मॉल डोज देते हैं किसी भी ड्रग की। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपको अगर नोट्स की PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। अब सेकेंड लास्ट टॉपिक है इसका हमारा अप्रोच टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, मतलब जो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन है उसको डिजाइन करने के क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, मतलब अपन जो ड्रग एडमिनिस्टर करवाएंगे बॉडी के अंदर उसको कैसे कैसे अपन रिलीज करवा सकते हैं बॉडी के अंदर, वही अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन रिलीज पैटर्न डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप, मतलब जो अप्रोच है रिलीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, रिलीज के ऊपर कितने टाइप के हैं इसके 4 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड है एक्टिवेट मॉड्यूलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, थर्ड है फीडबैक रेगुलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम और लास्ट है साइट टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब ये सिस्टम बनाए गए हैं जिसके द्वारा अपन अब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से बॉडी के अंदर ड्रग को कितने टाइम में रिलीज करना है सब कुछ मेंटेन किया जा सके। तो इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम। रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फर्दर डिवाइडेड किया गया फर्स्ट स्टेज के अंदर डिजोल्यूशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट है स्लो डिजोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग एंड सेकंड है स्लो डिजोल्यूशन रेट रिजर्वायर ऑन मैट्रिक्स। तो जो स्लो डिजोल्यूशन रेट है उसके अंदर क्या होगा कि जो ऐसी ड्रग अपन यूज में लेंगे जैसे ड्रग हैविंग स्लो डिजोल्यूशन रेट, मतलब जो उनका डिजोल्यूशन रेट स्लो होगा वो ड्रग इसके अंदर अपन यूज करेंगे, जैसे ग्लिसरॉल फ्लुविन हो गई, डायोक्सिन हो गई, निफेडिपिन हो गई, ये स्लो डिजोल्यूशन रेट होता है ड्रग का। तो इनका अपन रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका यूज करेंगे। सेकेंड है ड्रग दैट ट्रांसपोर्ट इनटू स्लो डिजोल्यू, मतलब ऐसी ड्रग मतलब वो स्लो डिजोल्यूशन रेट नहीं है उनका लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है स्लो डिजोल्यूशन रेट में तो उनका भी इसके अंदर यूज होगा, जैसे फेरस सल्फेट एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए दोस्तों मतलब पुअर सोल्यूबल ड्रग, मतलब पुअर सोल्यूबल एक हमारी ड्रग है उसको अपन ट्रांसफॉर्म कर लिया है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग, फिर ये इसको बॉडी में ये अपने आप रिलीज होगी, रिलीज ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये धीरे धीरे स्लोली रिलीज होगी बॉडी के अंदर। सेकेंड है स्लो डिजोल्यूशन रेट ऑफ रिजर्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि पर्जेंट ड्रग हैव हाई एक्वस सोल्युबिलिटी एंड डिजोल्यूशन, मतलब जो ड्रग होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है उसकी एक्वस सोल्युबिलिटी और डिजोल्यूशन रेट हाई होती है। इसका एग्जांपल है पेंटोक्सिफाइलिन और मेटफॉर्मिन, जो मेटफॉर्मिन अपने डायबिटीज में मेनली यूज की जाती है ये ड्रग है। इसके अंदर देखिए सोल्यूबल ड्रग है ये, पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर अपन इसको फिट कर देते हैं क्योंकि पहले देखा था कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पॉलीमर मैट्रिक्स का मेनली यूज किया जाता है, उसके बाद ये हमारी ड्रग रिलीज होगी बॉडी के अंदर। सेकेंड है हमारा फर्स्ट हो गया डिजोल्यूशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड है डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। डिफ्यूजन का मतलब आप जानते हो कि किसी भी कंपाउंड का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होना ही डिफ्यूजन कहलाता है। इसके फर्दर डिवाइडेड है पोरस मैट्रिक्स कंट्रोल सिस्टम और पोरस मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम। पोरस मैट्रिक्स में क्या आएगा दोस्तों, रे कंट्रोलिंग एलिमेंट
इसके अंदर जो रेट कंट्रोलिंग एलिमेंट होंगे वो होंगे वाटर सुवेलेबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स एंड गम मेनली यूज होंगे, जैसे जेंथिंग गम हो गया, रूअर गम हो गया, और ये पॉलीमर इसके अंदर यूज होंगे। तो ये देखिए इनसोल्यूबल पॉलीमर है और इसके अंदर ये जो हमारी सोल्यूबल ड्रग है वो फिटेंड है। उसके बाद इसको ये बॉडी में डिफ्यूजन के द्वारा ये ड्रग हमारी रिलीज होगी, मतलब डिफ्यूजन होगा तो यहाँ हाई कंसेंट्रेशन तो ड्रग हमारी लो कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगी। पोरस मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या होता है एलिमेंट इज नॉन सोल्यूबल, मतलब जो एलिमेंट इसके अंदर यूज होंगे वो होंगे नॉन सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर होंगे, जैसे एग्जांपल हो गया इथाइल सेल्यूलोज और पॉलीमेथाक्रायलेट। इसके अंदर देखिए दोस्तों सोल्यूबल पॉलीमर, जो सोल्यूबल पॉलीमर है उसके अंदर हमारी सोल्यूबल ड्रग फिटेड है, तो मतलब जो पॉलीमर है ये स्वेल होगा उसके बाद हमारी ड्रग रिलीज होगी। तो ये हमारा रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। अब देखते हैं हम एक्टिवेट मॉड्यूलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों द ड्रग रिलीज इज कंट्रोल एंड एक्टिवेटेड बाय सम फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जो ड्रग रिलीज होती है इसके अंदर वो कंट्रोल होती है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कुछ प्रोसेस होती है उनके द्वारा ये रेगुलेट की जाती है और मतलब उनका रिलीज किया जाता है। ड्रग डिलीवरी इज कंट्रोल बाय कौन कौन से सिस्टम मतलब प्रोसेस होती है, जैसे एनर्जी इनपुट हो गया और अदर अप्लाई प्रोसेस, इनके द्वारा इसकी डिलीवरी को कंट्रोल किया जाता है। इसको अकॉर्डिंग टू फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट हो गया फिजिकल टारगेटिंग, सेकंड केमिकल टारगेटिंग और थर्ड हो गया बायोलॉजिकल टारगेटिंग। तो ये हमारा एक्टिवेट मॉड्यूलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। थर्ड है फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो फीडबैक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ड्रग रिलीज फ्रॉम कैरियर इज एक्टिवेटेड बाय फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, मतलब इसके अंदर कैरियर के अंदर ड्रग अपनी फिटेड होती है, कैरियर के ऊपर लोडेड होती है, तो उसको फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये डायग्राम की मदद से देखिए, ये कैरियर है जिसके ऊपर जिसके अंदर ड्रग हमारी फिल है और ये इसके ट्रिगरिंग एजेंट है जो इसको ट्रिगर करेंगे रिलीज करेंगे। ट्रिगरिंग एजेंट एक्टिवेट द रिलीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, जो ड्रग मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए एक्टिवेट करेंगे, ये हमारी ड्रग होगी और रेट कंट्रोलिंग सरफेस हो गई है और ये ड्रग रिजर्वायर जहाँ पर अपन ड्रग को फिल करेंगे। तो ये हमारा फीडबैक ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। अब लास्ट है हमारा साइट टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली अपन पहले देखा था अपने टर्म्स और डेफिनेशंस में कि साइट मतलब मेनली स्पेसिफिक साइट को टारगेट किया जाता है, ड्रग रिलीज की जाती है वहाँ पर। इसके अंदर क्या होगा, दिस इज अनकंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये अनकंट्रोल प्रोसेस होती है, बट द पाथ ऑफ ड्रग रिलीज मतलब ये प्रोसेस तो अनकंट्रोल होती है लेकिन इसका जो पाथ होता है वे होता है वो कंट्रोल होता है। दिस सिस्टम डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, कौन कौन से, फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग, सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग और थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग, थ्री पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक डायग्राम से देख लेते हैं इसको भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ ड्रग कैरियर सिस्टम टू कैपिलरी बेड और प्री डिटरमाइंड टारगेट, मतलब जो प्री डिटरमाइंड टारगेट साइट है पहले से अपन को पता है कि यहाँ पर अपन को ड्रग का एक्शन शो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको फिट किया जाता है, तो वो अपने टारगेट साइट पर एक्शन शो करती है। सेकेंड ऑर्डर में क्या है कि डिलीवरी ऑफ ड्रग टू ए स्पेसिफिक टारगेट से नॉट ए नोन, मतलब स्पेसिफिक सेल जिस पे अपन को एक्शन शो करना है उसी पे टारगेट करेगी, नो कि नॉर्मल सेल्स पे ये वर्क नहीं करेगी। थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग में क्या है, इसमें डिलीवरी ऑफ ड्रग टू द इंट्रा सेलुलर और ऑर्गेनेल्स ऑफ द टारगेट सेल, मतलब जो टारगेट सेल उसके इंट्रा सेलुलर में जाएगी ये ड्रग और वहाँ पर अपना एक्शन शो करेगी। तो ये हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। दोस्तों जो भी सेवन सेमेस्टर में आपके फ्रेंड्स हैं उसको शेयर कर दो और हमारे चैनल पे सिक्स सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के भी वीडियोज अपलोड हैं और सिक्स सेमेस्टर के एमसीक्यूज भी अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद अपन सेवन सेमेस्टर के एमसीक्यूज अपलोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।